हम यहाँ पे हैं महफिलीफ के सोलर प्लांट पे, 5 मेगावाट का प्लांट है और हम सारा प्लांट देखेंगे, मैं आपको सारा समझाऊंगा। हमारे साथ सर रिजवान हैं, वो हमें सारा कुछ समझाएंगे इस प्लांट का, बेसिकली सारा प्लांट काम किस तरह करता है। जाहिर सी बात है सोलर प्लांट है, सन पे सर की एनर्जी पे काम करता है, किस तरह बेसिकली सारा प्रोसेस हम समझें, किस तरह सनलाइट आती है प्लेट्स पे, जो आपकी जिन प्लेट्स के ऊपर जो सेल्स हैं उन पे आती है, किस तरह वो फिर डीसी में डीसी पावर बनती है, उसको फिर हम इन्वर्टर से एसी में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, और फिर वो आगे जो मैपलीफ के इनकी जो मेन पावर जनरेशन है किस तरह उसको हम लोग लिंक करते हैं, किस तरह जो ट्रांसफार्मर्स हैं वो स्टेप अप और स्टेप डाउन करते हैं। तो बेसिकली हम इस पूरे प्रोसेस को समझेंगे। यहाँ प्लेट्स आप देख सकते हैं लगी हुई, तकरीबन 5 मेगावाट का प्लांट है, 9000 से ऊपर प्लेट्स हैं और इस पूरे प्लांट को हम समझेंगे। सो आप हमारे साथ रहिए, थोड़ा टेक्निकल सा ये थोड़ी सी टेक्निकल सी वीडियो है, क्योंकि मेरे ख्याल से आजकल जिस तरह की हमारे मुल्क में एनर्जी क्राइसिस है, इस वक्त एनर्जी की जो प्राइसेस हैं, पावर प्राइसेस हैं इतनी महंगी महंगी, वो हमारे जो है मुहैदे हैं, तो मेन जो हमारे इस वक्त सोर्स होना चाहिए वो एक सोलर की तरफ होना चाहिए, क्योंकि जो वाटर जनरेशन प्लांट्स हैं, जो डैम्स हैं, उनको बहुत टाइम लगता है। बेशक ये एक महंगे प्लांट्स हैं, पर ये है कि हमारी जो एनर्जी क्राइसिस हैं उनकी फौरी जो हल है वो इस तरह के प्लांट्स में, इस तरह के छोटे छोटे अगर हम मेगा इस तरह के प्रोजेक्ट्स लगाएं, तो एक बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है इनका, तो हम लोग जो अपने एनर्जी क्राइसिस है उस पर ज़रूर काबू पा सकते हैं। तो आए हमारे साथ रहें, हम आपको पूरा प्लांट दिखाते हैं और फिर पूरा समझाते हैं प्रोसेस किस इस तरह बिजली इससे मेनली किस तरह बनती है, तो देखते हैं। तो बेसिकली तो अगर इस तरह से नॉर्मल अभी हो रहा है तो इसका प्रोसेस क्या, मतलब कि डायरेक्टली बस मतलब सिंपल सा प्रोसेस है, क्या होगा? सनलाइट फॉल करती है ना, तो इसमें वोल्टेज जनरेट होते हैं, ठीक है, प्लेट्स में, और प्लेट्स में, और एक प्लेट के वोल्टेज ऑलमोस्ट है ना 41-42 वोल्ट्स होते हैं, ठीक हो गया। तो इन सब प्लेट्स को हम ना सीरीज में लगाते हैं, सीरीज में सबको नहीं, मतलब के कुछ प्लेट्स को सीरीज में लगाते हैं, और सीरीज में जब लगाते हैं उससे वोल्टेज एड अप होते हैं, ठीक है, और फिर उन वोल्टेजेस को हम, ये डीसी वोल्ट होते हैं, ठीक है, तो इनको हमने चूंकि यूटिलाइजेशन जो है वो एसी है, तो इनको हम इन्वर्टर में इनपुट देते हैं, इन्वर्टर में इन्वर्टर आउटपुट देते हैं एसी में। अच्छा, इन्वर्टर उसको डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक हो गया। जैसे रेक्टिफायर होता है ना, वो एसी को डीसी करता है, इन्वर्टर्स डीसी को एसी, इन्वर्टर, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तो वो एसी वो हम अपने ले जाते हैं पावर हाउस में, ठीक हो गया, फिर उसको यूज करते हैं, ठीक हो। थोड़ी पीएच कम मेंटेन कर, उससे एक दफा इसको क्लीन करना, क्योंकि सर इन प्लेट्स के ऊपर डस्ट आती है, तो अगर बंदा कोई ट्रांसपेरेंट शीट लगा दे, नहीं जैसे ट्रांसपेरेंट शीट एक्चुअली इस तरह की है नहीं, कुछ मटेरियल बनते हैं फॉरन में ना, वो एक चल रहा है एक्सपेरिमेंट के, उससे वो एक कोटिंग सी कर देते हैं, उससे डस्ट स्टिक नहीं होती, यानी पानी से ना आसानी से उतर जाती, लेकिन सारी बात है वो कॉस्टली सॉल्यूशन है। तो बेसिकली आप केमिकल से कुछ कर रहे हैं, केमिकल ऊपर थोड़ा कम पीएच का ना वाटर यूज करेंगे, वो इसको डिसॉल्व कर देता है, क्योंकि डस्ट आई ना, ये डस्ट नहीं स्टिक हुई है, जैसे सीमर डस्ट होती है ना, ये उसकी एफिशिएंसी काफी कम हो जाती है, इससे काफी कम हो जाती है, ये सॉइलिंग लॉस कहते हैं, सॉइलिंग लॉस, एक प्लेट के, एक प्लेट के, ठीक है। तो जब इसे सर्किट में कनेक्ट करते हैं 41-42 इसके वोल्ट होते हैं, तो इसमें हम 28 प्लेट्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, वो बन जाते हैं 1200-1300 वोल्ट बन जाते हैं, ठीक है। फिर वो इन्वर्टर में इनपुट होते हैं, वहाँ से आउटपुट होते हैं 800 वोल्ट एसी, ठीक। फिर आगे हमने ट्रांसफार्मर लगाए हुए हैं, वो 800 को ट्रांसफार्म कर देते हैं 6.3 के, फिर वो हमारे ग्रिड के साथ हमारे बेसिकली एक एक इन्वर्टर है, ये एक एक इन्वर्टर है, ये वो नंबर लिखा हुआ है यहाँ टैगिंग में, 18 इन्वर्टर है, तो ये सारे फिर वहाँ से आके कनेक्ट, मतलब के वहाँ से आउटपुट वायर है, आउटपुट वायर पैनल्स की, वो आके इधर कनेक्ट होती है इसमें इन्वर्टर के अंदर, ठीक है। हमारे पास ये बने, सॉरी ये दो जो है ना, ये एलवी पैनल है, ये एलवी पैनल है, पहले हमारे पैनल की जाती है, पैनल से ट्रांसफार्मर के इनपुट में, उधर से अब वो क्या स्टेप अप हो गया इसमें, ठीक है। मैपलीफ वाली जो है वो स्टेप डाउन हो रही है, और जो हमारी पैनल वाली वो स्टेप अप हो रही है, वो 800 से मुझको लेके जा रहे हैं 6.3 के वी पे, और मैपली वाली 6.3 के वी से नीचे आ रही है, स्टेप डाउन हो रही है, ठीक है। बेसिकली ट्रांसफार्मर से स्टेप और स्टेप अप स्टेप डाउन होता है, इन्वर्टर से ट्रांसफार्मर को जा रहा है, एग्जैक्टली। नौ इन्वर्टर हमारे एक शेड के अंदर 9 इन्वर्टर हैं, दूसरे शेड में भी 9 इन्वर्टर हैं, अच्छा।